अस्सलाम वालेकुम, गोगी टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये है रेडमी नोट 7S और मैंने इसे परचेज़ किया हूँ बिग बिलियन डे में, और मुझे ये गिरा है सिर्फ और सिर्फ 6427। यहाँ पर देखिए 6427 मिला है, और साथ ही साथ डिस्काउंट भी मुझे यहाँ पर मिला है, तो ये मेरा इनवॉइस हो गया। अभी हम इसे साइड में रखते हैं, और उसी के साथ साथ मैंने एक बोर्ड का जो डेटा केबल है उसी उसी को भी मैंने यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया था। तो ये देखिए, यहाँ पर डेटा केबल मैंने बाहर निकालता हूँ, और डेटा केबल की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर क्वालिटी है। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, जो डेटा केबल की जो आपको जो वारंटी मिल जाती है, आपको 2 साल की वारंटी इसमें इसके साथ मिल जाती है। मैंने परचेज़ किया हूँ इसे लगभग 80 या 90 रुपीज़ मैंने परचेज़ किया हूँ, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। ये कभी कभी इसका 300 या 400 भी रहता है इसका प्राइस। तो 1 मीटर का ये केबल है, और उसी के साथ साथ मैंने 2 यहाँ पर टेम्पर्ड ग्लास परचेज़ किया हूँ अपने रेडमी नोट 7S के लिए, और लगभग मैंने इसको 90 में ये परचेज़ किया हूँ। तो दोनों की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। अभी इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। तो ये रहा अपना फ़ोन, तो अभी हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर बॉक्स को ओपन करता हूँ, और बॉक्स को मैंने यहाँ पर ओपन करते ही अंदर और एक छोटा सा बॉक्स मिल जाता है कुछ व्हाइट कलर में, और यहाँ पर देखिए इसमें आपको सिम इजेक्शन टूल मिल जाती है, कुछ वारंटी यूज़र मैनुअल वगैरह मिल जाते हैं, और उसी के साथ साथ टीपीयू केस मिल जाता है। तो ये रहा अपना फ़ोन रेडमी नोट 7S 48+ 5 MP का डुअल AI रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन 666.3 फुल HD डिस्प्ले। तो इस फ़ोन को हम अभी एक बार साइड में रख लेते हैं, तो अंदर क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तो ये रहा टाइप सी केबल, और उसी के साथ एक 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का एक चार्जिंग अडाप्टर। अभी हम लेते हैं अपने फ़ोन को, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अप्लाई करता हूँ टेम्पर्ड ग्लास को। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर फोन टेम्पर्ड ग्लास को अप्लाई किया हूँ फ़ोन पे, तो जो टेम्पर्ड ग्लास की जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, और साथ ही साथ अप्लाई करने के बाद काफ़ी एक अलग ही लुक दे रहा है ये टेम्पर्ड ग्लास पे अपना फ़ोन। और जो ये है टेम्पर ग्लास, मैं अपने साथ रखता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा भी मुझे लेना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ले लिया, और अभी हम इसे साइड में रखते हैं। तो ये रहा अपना फ़ोन, और यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोन को जो TPU केस कवर है वो भी यहाँ पर डाला हूँ, और TPU केस कवर डालने के बाद कुछ अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से इसकी जो लुक है यहाँ पर दिख जाती है। हालांकि मैंने ब्लैक कलर यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर भी मैंने यहाँ पर परचेज किया। और यहाँ पर देखिए आपको ऊपर एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, और सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक, IR सेंसर मिल जाता है, और कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, और आपको राइट साइड में एक वॉल्यूम अप और डाउन, और उसी के साथ साथ पावर ऑफ ऑन की मिल जाती है। मैंने अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर देखिए वाइब्रेशन आया। तो यहाँ पर देखिए रेडमी रेडमी बाय शाओमी, और सामने आपको 13 MP का कैमरा मिल जाता है। नीचे देखिए आपको, यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, और सेकंड नॉइस कैंसलेशन के लिए एक माइक भी मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट साइड में एक सिम ट्रे मिल जाता है। सिम ट्रे की जो क्वालिटी है, जो सिम ट्रे जो है वो हाइब्रिड सिम ट्रे है, हालांकि मैंने एक ही सिम यूज़ करता हूँ तो मुझे चलता है। एक सिम या एक MicroSD या फिर आप 2 नैनो सिम आप एक साथ लगा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने फ़ोन को यहाँ पर पूरी तरह से सेट किया हूँ, और यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट आईडी है उसे भी यहाँ पर रखा हूँ, तो फिंगरप्रिंट आईडी काफ़ी फास्ट है। अगर आप 6,500 के हिसाब से देखते हो तो काफ़ी बढ़िया फ़ोन है ये, फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है, और फिंगरप्रिंट आईडी है, फेस आईडी है, 48 का कैमरा है, और फ्रंट 13 का कैमरा है, और 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है। तो बहुत कुछ है, अगर आप 6,500 में ये डील मिली तो बिल्कुल भी मिस मत करना, काफ़ी बढ़िया ये फ़ोन है। लेकिन 3 GB 32 GB के साथ आएगा, ये आप ध्यान में रखिए, और शायद 464 के साथ ये ऑफ़र नहीं मिलेगा आपको शायद, क्योंकि मैं 464 लेने का सोचा तो उसके साथ ये ऑफ़र नहीं था। अभी हम चेक करते हैं इसका रैम कितना मिल जाता है फर्स्ट बूट में। तो फर्स्ट बूट में देखिए यहाँ पर 1.3 GB के आसपास यहाँ पर रैम ये है। तो सारे एप्लीकेशन मैंने किल करता हूँ, तो उसके बाद देखते हैं, सारे एप्लीकेशन किल करने के बावजूद भी आपको 1.3 GB का जो रैम है स्पेस जो फ्री मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं सेटिंग्स में, उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन में। तो
तो यहाँ पर देखिए रेडमी रेडमी नोट 7S, उसके बाद एंड्रॉयड का पाई और 5.5 का सिक्योरिटी का पैच मिल जाता है, शायद अपडेट भी आया होगा इसके अंदर, तो चेक करना पड़ेगा। 10.3.5 ग्लोबल स्टेबल अपडेट मिल जाता है MIUI का 10 में। और उसी के साथ साथ जो यहाँ पर देखिए आपको 32 GB में से 21.20 GB आपको फ्री मिल जाता है फर्स्ट बूट में। तो ये रहा फोन के बारे में। अभी हम चलते हैं कैमरा के तरफ, क्योंकि आपको 6,500 रुपये में आपको 48 MP का कैमरा मिल रहा है। दोस्तों समझ लो कि आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको। तो ये रहा कैमरा, मैंने यहाँ पर सभी को ऑटो में रखता हूँ। तो ये देखिए कुछ अभी एक फोटो निकालता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए आपको। तो ये रहा आपका जो कैमरा, कुछ इस तरह से देखिए। जो फोटो की जो क्लैरिटी है वो काफी गजब की है। सिर्फ और सिर्फ 6,500 में आपको मिल जा रहा है ये 48 MP का फोन। तो कुछ करना है उसके साथ, ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि डबल डिस्काउंट वगैरह वो कुछ बहुत सारे ऑफर थे उसके साथ, तो मैंने ये परचेज किया हूँ। अगर आप ऐसे लेते हो तो आपको लगभग 7,200 तक के आसपास ये मिल जाता है। तो 7,200 में भी अगर आपको ये फोन मिला तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, ये डील काफी बढ़िया है। तो बस इसी के साथ अपना वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।